सगौनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाड़ाघाट में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से वन विभाग की एजेंसी के द्वारा यहां पर स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था, लेकिन स्टॉप डैम का निर्माण घटिया होने के कारण यहां पर एक हल्की सी बारिश ने ही बांध की दीवार को तोड़ करके रख दिया। साथ ही यह पानी अनेक स्थानों पर रुका ही नहीं, वहाँ से रिसाव जारी है। ऐसे हालत में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का जो पैसा है वह पानी में बह गया है। साथ ही ग्रामीणों को जिस तरह से इसका लाभ होना था वह लाभ नहीं मिल पा रहा। इस मामले पर जब निर्माण एजेंसी के वन विभाग के अधिकारी से हमने बात की तो उनका कहना था कि हमें तो कोई और जानकारी लगी है और उनकी जानकारी के अनुसार यहां पर काम जारी है, लेकिन तस्वीरों में जो दिख रहा है उसमें काम जारी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इस तरह से पार टूटने के बाद अब निर्माण ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर फिर से पानी को बाहर निकाल कर काम किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस घटिया निर्माण की पोल जरूर खोल दी गई है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस मामले पर स्थानीय अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी मामला सामने आएगा उस लिहाज से कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सवाल सबसे बड़ा यह है कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से लाखों रुपये खर्च करने के बाद जब बांधों का निर्माण कराया जाता है उसके बावजूद घटिया सामग्री का प्रयोग करके ठेकेदार यहां पर बंदरबांट कर लेते हैं और ग्रामीणों को वो लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में बुंदेलखंड के अंचलों में पानी की समस्या जस की तस है और नेता अधिकारी पैसा डकार रहे हैं। निर्माण कराया गया था बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के मामले से, सर वहाँ पर अनियमितता का मामला सामने आया, क्या कुछ था? मेरे पास अभी दूरभाष पर ऐसा कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, लेकिन अभी हमने उपमंडल अधिकारी को जांच के लिए दिया है। एक या दो तारीख का कल परसों में एसडीओ जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे, तदुपरांत में आपको इसकी प्रत्यक्ष से इसको सूचित करूँगा। अभी काम वहाँ चल ही रहा है कि काम कम्प्लीट हो गया? परिषद अधिकारी के साथ से वहाँ काम चल रहा है, अभी बाकी उपमंडल अधिकारी वहाँ जाएंगे, स्थल पर जांच करेंगे और फिर उसकी वस्तुस्थिति के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन दिया जाएगा। क्योंकि हल्की सी बारिश में ही वहाँ की पार टूट गई है और पानी का रिसाव भी हो रहा है। फील्ड से जो जानकारी मेरे पास आई है वो कुछ और है, इसलिए मैंने एसडीओ को बोला है कि एसडीओ जाके रिपोर्ट दे वहाँ पर।